नमस्कार भक्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पशुपतिनाथ व्रत के नियम के बारे में आज हम बात करेंगे। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी सोमवार को आपको कोई बाधा आ जाती है, जैसे कहीं जाना पड़ जाए या पीरियड्स आ जाए, इसकी वजह से आप इस व्रत को ना कर सकें, तो उस दिन व्रत करें लेकिन पूजा ना करें और यह व्रत 5 सोमवार में नहीं गिना जाएगा। नियम नंबर 2, पशुपतिनाथ जी का ये व्रत विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस व्रत में घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं है, इसलिए भूल करके भी किसी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अहंकार करना चाहिए। इसलिए इस व्रत को करने से पहले आप अपने अहम को त्याग दें। फिर बहुत सारे लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, तो बहुत ही श्रद्धा के साथ में बिल्कुल शुद्ध भाव से इस पूजन को, इस व्रत को आपको करना है। नियम नंबर 3, भगवान भोलेनाथ को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के सामने हर सोमवार को आपको जलाना है और जलाते समय अपने मन में उस कामना को प्रकट करना है कि आप जिस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान पशुपतिनाथ की व्रत और पूजा को कर रहे हैं, उस कामना को मन में आप कहिए। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत किया जाता है, उसी मंदिर में या शिवालय में इसके 5ों व्रत पूरे करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने इस शिवालय में कर लिया और कल आप किसी दूसरे शिवालय में गए वहाँ कर लिया, फिर आप तीसरे शिवालय में चले गए, फिर आप कहीं घूमने गए तो आपने वहाँ कर लिया। ऐसे आपको ये व्रत नहीं करना है। ये जरूर आपको निश्चित कर लेना है कि आप जहाँ हैं, जिस दिन पहले मंदिर में जा करके आप पूजा करेंगे, उसके बाद 5ों सोमवार आप उसी मंदिर में जा कर के पूजा करेंगे और बीच में आपको मंदिर को नहीं बदलना है। ये विशेष नियम है इस व्रत का। अगला नियम है, अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ गया तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाना है, फिर वो व्रत आपको छोड़ देना है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है, यह एक ही स्थान पर पूरा करें जब तक व्रत का उद्यापन सम्पन्न नहीं हो जाता। एक बार पशुपतिनाथ व्रत पूरा होने के बाद फिर से व्रत करने के लिए कम से कम 3 महीने का इंतजार जरूर करें। अगर पशुपति व्रत के दिन आपका कोई अन्य व्रत आ जाए तो अपना व्रत करें और पशुपतिनाथ व्रत को अगले सोमवार को कर लें। अगर आपके एक ही घर के कोई 2 या 3 व्यक्ति साथ में पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो पूजा की थाली, मीठे का प्रसाद, घी के दिए, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग लेनी चाहिए। कुल मिला के सबकी थाली अलग अलग होनी चाहिए, एक ही थाली में कतई पूजा ना करें। और अगला नियम ये है कि जो भी आप प्रसाद बनाते हैं वो केवल ईश्वर के लिए ही प्रसाद बनाएं। ऐसा आपको नहीं करना है कि चलिए हम हलवा बना लेते हैं, पंजीरी बना लेते हैं खूब सारी और उसमें से भगवान को भी चढ़ा देंगे और घर के लिए भी बचा लेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी प्रसाद बनाइए वो पूरा प्रसाद ले जाइए, भगवान में चढ़ाइए और उस प्रसाद को, जैसा कि हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उस तरीके से पूजा करके 3 हिस्सों में निकाल करके 2 हिस्से वहाँ चढ़ाने हैं और 1 हिस्सा अपने लिए रखना है और वो 1 हिस्सा आपको खुद ही खाना है। ये भी विशेष नियम है इस व्रत का। तो इन सारे नियमों को मानते हुए आप अगर पूजा करते हो श्रद्धा भाव के साथ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी ना हो। भगवान महादेव आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे और ऐसा अभी तक हमने बिल्कुल नहीं सुना है कि किसी ने इस व्रत को किया हो और उसकी इच्छा पूरी ना हुई हो। तो चलिए बोलिए ओम नमः शिवाय, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ की, धन्यवाद।